हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल फिजिक्स या मैजिक में। मित्रों, हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, अदिश गुणनफल के गुण। तो जैसे इसके पहले वाले वीडियो मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स का, उसमें मैंने आपको स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो मैं स्केलर प्रोडक्ट को आपको फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। जैसे अगर दो वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और उनका जो प्रोडक्ट है अगर वो स्केलर आ जाता है, देन प्रोडक्ट इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट। जैसे आप जानते हो कि हमारे पास जैसे फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ठीक, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है, तो ये दोनों क्वांटिटीज वेक्टर होती हैं, लेकिन जो इनका प्रोडक्ट आता है वो आता है वर्क, एंड वर्क इज स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को हम जो है स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे और उसे डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे। इस तरह से हमने सिंबल दिया है कि अगर प्रोडक्ट स्केलर है तो उसको डॉट से दिखाएंगे। अब देखें, इसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन भी आपको बताई गई है। ये तो एग्जांपल लिया मैंने कि जैसे हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं और इनका प्रोडक्ट स्केलर है, तो इनके स्केलर प्रोडक्ट को हम दिखाएंगे ए डॉट बी से, और ए डॉट बी से दिखाएंगे, और इसकी जो वैल्यू आएगी मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन ए एंड बी। जैसे कि अगर यह हमारा वेक्टर ए है और यह वेक्टर हमारा बी है, देन दिस इज थीटा, ये है हमारा थीटा जो ए और बी के बीच का एंगल होता है। तो इस तरह से इसकी जो आपका जो फिजिकल डिफिनेशन है ये है कि अगर प्रोडक्ट दो वेक्टर का प्रोडक्ट अगर स्केलर आ रहा है तो प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट बोलेंगे, और उसकी मैथमेटिकल डिफिनेशन है कि दो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट है उसे ए डॉट बी से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू उनके मैग्नीट्यूड्स और उनके बीच के एंगल के कोसाइन के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ठीक, तो हम आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। डिफिनेशन एक बार आपको अपने पिछले वीडियो में बताया भी हूँ। अब देखें, जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं पहले से कि जो हमारा वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट होता है यह कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ठीक है, जो स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ, मतलब क्रम विनिमेय नियम, मतलब ये हुआ कि जैसे अगर कहीं पर ए डॉट बी है तो आप उसे बी डॉट ए लिख सकते हैं, मतलब ए डॉट बी बी डॉट ए, अगर आप प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्ट का कम्यूटेटिव लॉ है यह, और हमारा स्केलर प्रोडक्ट इसको फॉलो करता है। इसको मैं प्रूफ कर दूंगा आपके लिए। अब देखें, अब इसे मैं प्रूफ करने जा रहा हूं। अब देखें, तो जो है जैसे कि हम दो वेक्टर्स ले लेते हैं, एक वेक्टर ए है एक वेक्टर बी है, इनके बीच का एंगल थीटा है। ठीक, तो अगर हम ए डॉट बी लेते हैं तो इसकी वैल्यू आएगी ए बी कॉस थीटा, जहां बिना एरो वाले जो ए बी हैं ए इनके मैग्नीट्यूड्स हैं, इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम बी डॉट ए लेते हैं तो अब यह आपका हो जाएगा बी ए कॉस, जब ए से बी लिया था तो ए और बी का एंगल लिया था, तो बी से ए मेजर करेंगे तो एंगल जिस तरह से मेजर किया जाता है एंटी क्लॉक वाइज, तो इस तरफ लेंगे तो ए वाला जो एंगल है आपका मिलेगा आपको 360 माइनस थीटा, या अगर आप उल्टा मेजर करेंगे तो आपको माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, अगर आप क्लॉकवाइज मेजर करते हैं तो आपको थीटा को लिखना पड़ेगा माइनस थीटा फिर, और आप रूल से आप फॉलो करते हैं तो अगर थीटा है तो यहाँ आपका 360 माइनस थीटा होगा, दोनों से आएगा उतना ही। तो बी डॉट ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, आप इसे मैग्नीट्यूड है तो ऑर्डर चेंज कर सकते हैं, कॉस 360 माइनस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा ही होता है, फ्रॉम वन एंड टू ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए। तो इस तरह से ए डॉट बी बी डॉट ए के इक्वल हुआ, मतलब हमने प्रूफ किया कि जो हमारा स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। अब देखिए, आते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी पे, एसोसिएटिव लॉ।
साचर नियम, इसको फॉलो नहीं करता। जैसे हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए डॉट ए और बी और सी, हमारे पास तीन वेक्टर्स हैं ए बी और सी। तो जैसे आपने ए डॉट बी डॉट सी लिया, ठीक, और अगर आप ए डॉट बी डॉट सी लेते हैं, मतलब आपने किया क्या है, बी और सी के डॉट के साथ एक और डॉट लिया है, यहां पर ए और बी के डॉट के साथ सी का डॉट लिया है आपने। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तब हम बोलेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं होंगे। और ये बहुत ही कॉमन सेंस है, इसे हम एग्जांपल से प्रूफ कर सकते हैं। जैसे देखें, जैसे अगर बी डॉट सी आप लेंगे तो स्केलर आएगा, स्केलर क्वांटिटी मतलब कोई नंबर आएगा, तो नंबर के साथ आएगा वेक्टर ए। और यहाँ पे जैसे कि ए डॉट बी है, तो ए डॉट बी स्केलर आएगा और नंबर के साथ यहाँ पर आएगा सी। तो मतलब जैसे कि अगर आप इसे कोई कॉन्स्टेंट के वन बोल दो, तो यहाँ पे आएगा वेक्टर ए और यहाँ पे, मतलब ये इक्वल नहीं है, मैं इसे लेके चला हूँ, तो जैसे अगर मैं लेके चलता हूँ इनको अलग अलग ना, तो जैसे कि इसको मैं के टू अगर बोल देता हूँ तो यहाँ पे सी आएगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है इनकी डायरेक्शन अलग अलग हो सकती है, भले इनके मैग्नीट्यूड इक्वल होने लगे, लेकिन इस तरह से हमें कह सकते हैं कि ये दोनों टर्म बराबर नहीं होंगे, मतलब जो स्केलर प्रोडक्ट है वो जो है एसोसिएटिव लॉ को फॉलो नहीं करता, ठीक। उसके अलावा जैसे आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको बताएं, थर्ड प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर कोई वेक्टर है तो अगर आप उसका उसी के साथ डॉट ले रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं उसके मॉडुलस का स्क्वायर, बहुत यूज होता है इसका। तो देखिए, अब जैसे आप इसका प्रूफ करना चाहें, तो जैसे अगर वेक्टर ए डॉट ए है, तो जैसे फार्मूला है आपका कि यह वेक्टर ए है और यह वेक्टर बी है और यह थीटा है, तो ए डॉट बी बराबर होता है ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा, ठीक है, और ए ए का ए से खुद का खुद से एंगल जीरो होता है, तो यहां पर मिलेगा आपको कॉस जीरो। तो इस तरह से यह ए डॉट ए इज इक्वल टू मॉड ए का स्क्वायर कॉस जीरो की वैल्यू हो जाएगी आपकी वन, तो वन इतना है आपका। मॉड ए को आप सिंपली बिना एरो वाला ए भी लिख सकते हैं, तो आप इसे बोल सकते हैं ए स्क्वायर, बहुत छोटा सा था ये। फोर्थ है, जैसे अगर हमारे पास कुछ वेक्टर्स हो जो कि पैरेलल हो, ठीक, मतलब जो दो वेक्टर पैरेलल हो, अगर ए और बी पैरेलल हैं, तो अगर ए वेक्टर ए इज पैरेलल टू वेक्टर बी, मतलब थीटा जीरो होगा बस, दिस इंप्लाइज दैट कि ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी। अभी भी आप समझ रहे हैं, बहुत आसान सा है कि आप उसी फार्मूले में अगर ए बी पैरेलल हो गए तो थीटा आपका हो जाएगा जीरो, तो कॉस जीरो की वैल्यू अगर आप वन कर देंगे तो आपको मिलेगा ए बी, तो ए डॉट बी इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट, जैसे चार बताया मैंने आपको, पांचवा है कि जैसे अगर हमारे पास दो वेक्टर ए और बी हैं, तो ए डॉट बी इक्वल टू जीरो होता है इफ एंड ओनली इफ ए वेक्टर ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, कि अगर ए और बी परपेंडिकुलर हो तब। तो इसे हम प्रूफ कर लेते हैं, जैसे कि हमें आता भी है प्रूफ करने के लिए, ए बी कॉस थीटा, तो यूजिंग थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू 90, सॉरी, यूजिंग थीटा इक्वल टू 90, ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी और इनटू कॉस 90, एंड यू नो दैट कि कॉस 90 की वैल्यू जीरो होती है, देन फाइनली वी विल गेट ए डॉट बी इक्वल टू जीरो। तो तय हो गया कि अगर ए डॉट बी जीरो है तो आप बोल सकते हो कि ए और बी परपेंडिकुलर है, अगर ए बी परपेंडिकुलर है तो आप बोल सकते हो कि ए डॉट बी जीरो है। तो आप बोल सकते हैं यहां पे कि ए डॉट बी इफ एंड ओनली इफ ए इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी।
तो इस तरह से हमने इसकी एक और प्रॉपर्टी प्रूफ की, अगर दो वेक्टर लंब होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होता आता है। एक्सेप्ट प्रूफ करने के लिए प्रूफ करिए दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, तो हम उसे प्रूफ करते हैं कि उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो है। अब देखिए इसकी एक और आपको प्रॉपर्टी बता दे, प्रॉपर्टी क्या है, फॉर्मूला है, प्रॉपर्टी में आप पढ़ लीजिए उसे। जैसे कि अगर आप जानते हो कि ए डॉट बी है तो ये आपका है ए बी कॉस थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी, और थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस इनवर्स ए डॉट बी एंड ए बी। ठीक, ये मतलब दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने का फार्मूला है। वैसे हम इसी का यूज़ करके कर लेते हैं, इसे बना दिया गया है, किस तरह से आप भी आप यूज़ कर सकते हैं थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। अब आते हैं हम यूनिट वेक्टर्स के स्केलर प्रोडक्ट पर। ओके, तो हमारी सेवेंथ प्रॉपर्टी, इसको दो पार्ट में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के इक्वल टू वन। जैसे देखिए ये हमारे पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। यह एंगल आपका 90 है, यह एंगल आपका 90 है, और यह एंगल आपका 90 है। कैप आई, कैप जे एंड कैप के। जैसे देखिए कि ये ऐसे बना है, ए एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है। जैसे आप कमरे का कोई कोना ले लो, जिस कमरे में हो, जो कमरे का कोना होता है वहाँ पर तीन लाइन्स आपको दिखेंगी, एक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। अब देखिए जैसे इसे हम प्रूफ करते हैं, आई डॉट आई लेंगे तो यहां पर आई ए का भी काम आई करेगा, अब बी का भी काम आई ही करेगा, और वेक्टर की सारी प्रॉपर्टी इसमें है, बस इसका मैग्नीट्यूड वन है आई। ओके, एंड कॉस जीरो, कॉस जीरो की वैल्यू वन, इन सब की वैल्यू वन ही है। ओके, तो ए भी वन, ए भी वन, ए भी वन, फाइनली ये वन आ गया। सिमिलरली जे डॉट जे इज इक्वल टू वन एंड के डॉट के इज इक्वल टू वन। तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर आई डॉट आई, जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के इक्वल टू वन। ठीक, तो इस तरह से अगर किसी यूनिट वेक्टर का उसका खुद से डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो उसकी वैल्यू वन आएगी। अब इसमें सेकेंड पार्ट पे आ जाते हैं हम। सेवन्थ को दो पार्ट में हमने पढ़ा, अब इसका सेकेंड पार्ट है i डॉट j इज इक्वल टू j डॉट k इज इक्वल टू k डॉट i इक्वल टू जीरो। ओके, तो इसका प्रूफ देखिए, अगर मैं i डॉट j करता हूँ यहाँ पे, तो कैप i कैप j इंटू कॉस 90 डिग्री। ठीक, कॉस 90 डिग्री है। अब देखें तो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू हो गई आपकी जीरो, तो टोटल जीरो हो जाएगा। भाई देखिए यहां पे आई और जे के बीच का एंगल है 90 डिग्री। सिमिलरली जे डॉट के इक्वल टू जीरो एंड के डॉट आई इक्वल टू जीरो। तब बोलेंगे देयरफॉर आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई इक्वल टू जीरो। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमारे पास यूनिट वेक्टर्स हैं जो एक दूसरे पर लंब है, मतलब म्यूचुअली ऑर्थोगोनल है, तो एक मतलब आई जे के तो होते ही हैं, एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो इनका जो खुद से डॉट प्रोडक्ट आएगा वो जीरो आएगा, वन आएगा, सॉरी, खुद से डॉट प्रोडक्ट वन आएगा और एक दूसरे के साथ जीरो आएगा। तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। तब तक के लिए थैंक यू।